अच्छा चलो आज एक तुक्का एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। अब से तुम लोगों 10 क्वेश्चन के तुम आंसर लिख लो, बागेश्वर धाम की जय, है ना। आंसर लिखो, मैं पर्चा लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, आंसर लिखो। तुम लिख लो ऐसे ही ABCD जो लिखना है तुमको, है ना। कैलकुलेट करना आता है, मार्क्स तो चेक करना आता है ना सबको। बोलो बागेश्वर धाम की, जोर से बोलो। बालाजी महाराज की, अरे तू जोर से क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग। चलो अब मैं आंसर, हो गया तुम्हारा सबका, अब मैं आंसर्स बोल रहा हूं। कितने हो गए, 3 और 3 6, दस हो गए। नंबर जोड़ो अपने कितने आए। वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग में ऐसा देखा गया है कि नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप तुक्का भी मारते हो बिल्कुल, आपको क्वेश्चन का पता ही नहीं था क्वेश्चन कौन सा है, आपने तो आंसर टिक लगा दिए। चलो अब रुक जाओ, 10 के 10 लगाए तुमने। कोई ऐसा है जिसके 4 से ज्यादा सही है? 4 से ज्यादा सही है ना आप लोग? आप चारों खड़े हो जाओ, देखे खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। कितने सही है आपके? 6 सही है। तो अगर इसके 6 सही हैं, कितने हैं 24 और कितने गलत हैं? कितने नंबर आ गए इसके बिना पढ़े आगे? आपके कितने सही है? 5। 5 से 5 15 नंबर आ गए। आपके 6। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा पढ़ लिया करो, वहां ऐसे नहीं होगा। इतना खुश हो रहा है वो, अरे सर मेरे तो वहां भी ऐसे आएंगे। हाँ 5 5 सही है, तो पढ़ते रहना अपने को, है ना। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। कोई ऐसा इसके नेगेटिव में नंबर है? नेगेटिव वाले खड़े हो जाओ। और चलो ठीक है, नेगेटिव वाले कितने हैं? 3 और 3 6 4 10 और 3 13, ठीक है बैठ जाओ। और पॉजिटिव वाले खड़े हो जाओ, जिनके पॉजिटिव में नंबर है। अब इनकी संख्या क्लास में सबसे ज्यादा है, कितने है? 2 2 4 2 6 और 6 और 4 10 और बहुत सारे हैं तो, है ना। 30 से ज्यादा लोग मान लेते हैं जिनके मार्क्स पॉजिटिव में, है ना। तो जब किसी एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब सही करने पर 4 मिलेंगे, गलत करने पर 1 कटेगा, तो वहां पर तुक्का मारना चाहिए और फिर क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए। तुक्का बिल्कुल बेमिसाल मारना चाहिए उसमें। अब कई लोग पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो मैक्सिमम 175 180 तक अटेम्प्ट करो। लोग कर रहे हैं तभी तो पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं, वो तुम्हारी किस्मत है उस दिन। अभी अभी देखा, मैं अगर वापस से पूछूंगा तुम्हें ये सवाल, तो क्या फिर नंबर चेंज हो जाएंगे, अब टॉपर चेंज हो जाएगा, है ना। तो दैट इज लक, बट 1/4। अब मान लो मैं नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर देता हूं, तो तुम्हारे किसी के पॉजिटिव नहीं आएंगे। जैसे एम्स में होता था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है तो आपका सुपड़ा साफ होना है। यूपीएससी में होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मेरा इस एक्सपेरिमेंट करवाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि तुक्का लगाने से घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है किसी भी केस में। आखिरी अगर आपको मान लो कुछ भी नहीं आ रहा तो तुक्के मारो, तुक्के मारते वक्त पेपर को नहीं देखना होता है, उसको साइड में रख दो, सिर्फ OMR शीट पे काम करना होता है ना। जब तुम पेपर को देख देख के तुक्के मारोगे तो वो फ्रिक्वेंट तुक्के नहीं होंगे, तुम सोचोगे और सोचोगे तुम मात खा जाओगे।
तुक्का मारते वक्त सोचना नहीं होता, तुक्का और मुक्का बिना सोचे मारते हैं, समझ रहे हो? किसी को मुक्का मारना है तो भी बिना सोचे, और तुक्का मारना है तो भी बिना सोचे। वैसे मुक्का मारने की जरूरत पड़ती ही नहीं है अगर आप पहले थप्पड़ मार चुके हो तो।